नमस्कार दोस्तों, मुस्कान हुनर आर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साड़ी और ब्लाउज में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे कि देखने में पेंटिंग और भी अट्रैक्टिव और भी सुंदर लगे। साड़ी के साथ जो ब्लाउज पहनाया गया उसमें कौन सा कलर लगाएं, साड़ी का कौन सा कलर है ब्लाउज में कौन सा कलर रहेगा, और जो साड़ी का बॉर्डर बनाएंगे इसमें कौन सा कलर हम इस्तेमाल करें जिससे कि ये देखने में और भी सुंदर लगे। मुझे इस पेंटिंग में जो भी बैकग्राउंड पिक्चर दिखानी है वो मैंने बना लिया है। अब बारी है इसमें इनके धोती में जो बॉर्डर, इनके धोती का जो ये बॉर्डर है और साड़ी का बॉर्डर है इसको बनाने का। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कलर यूज करते हैं। साड़ी का कलर पिंक है और ब्लाउज का कलर ब्लू है, तो यहाँ पे बॉर्डर में हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ये जो सैप ग्रीन है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक ग्रीन कलर हम खुद बन तैयार करेंगे जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ग्रीन कलर बनाने के लिए ये पर्शियन ब्लू कलर और डीप येलो कलर, इन दोनों को मिक्स करके ग्रीन कलर जो तैयार करेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब इसमें येलो कलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ब्लू की कम, और इन दोनों को मिक्स करके मैंने ग्रीन कलर तैयार कर लिया है। अब इसको लगाते हैं। वैसे तो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ग्रीन भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, अगर कहीं आप रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ब्लैक बॉर्डर बनाएं तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और येलो के साथ ब्लू हो गया, और येलो के साथ ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से जितना भी बॉर्डर है इनका ग्रीन से कर लेंगे। साड़ी को पिंक कलर करके और इसका बॉर्डर मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है पिंक और ग्रीन का। और ठीक इसी तरह धोती है, धोती को व्हाइट कलर से दिखाया गया है, तो इसमें येलो या फिर रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्राउन और जैसे ये स्काई ब्लू नदी का कलर दिखाया गया है, तो यहाँ पर रेड बॉर्डर इसका ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो व्हाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर करेंगे जो देखने में ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में हम आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि किस कलर के साथ कौन सा कलर लगाएंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि आपकी जो पेंटिंग है वो देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो ये मैंने व्हाइट के साथ बॉर्डर धोती का रेड किया हुआ है। अब इनकी पगड़ी को पेंट करते हैं। पगड़ी में येलो कलर लगाएंगे और रेड का बॉर्डर कर देंगे, या फिर जैसा भी पिक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लगाना है। ये पगड़ी बनी है इसमें रेड कलर लगा के, तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैं रेड कलर इसमें यूज कर रही हूँ बॉर्डर में। पहले मैंने पूरी पगड़ी को येलो से कर लिया है, फिर इसमें अगर रेड कलर लगा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। थैंक यू।